जनपद में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी CPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसको लेकर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। IPL की तर्ज पर खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। टीमों के ओनर ने अपनी मर्जी से खिलाड़ियों को पसंद किया और उनको खरीदने के साथ ही एक अच्छी टीम का चयन किया। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुरादाबाद महानगर में कलेक्ट्रेट प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट का आगाज महानगर में 10 मई को होगा। ये क्रिकेट टूर्नामेंट शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। मुरादाबाद मंडल के सभी खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। टूर्नामेंट के आयोजक नावेद सिद्दीकी ने कहा कि हमारा मकसद ये है कि मुरादाबाद के खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच दिया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर हर वर्ष टूर्नामेंट यहां पर आयोजित करते हैं, जहां पर विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कार के साथ नगद धनराशि से सम्मानित किया जाता है। जितनी भी टीमें इसमें भाग लेती हैं, प्रत्येक खिलाड़ी को खेलने के लिए पैसा भी दिया जाता है, जिससे उसे आगे बढ़ाया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ हम कई वर्षों से ये टूर्नामेंट आयोजित करते आ रहे हैं, जिसमें शहर के सभी नामी लोग टीमें खरीदकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपना भरपूर योगदान देते हैं। प्रतियोगिता के आयोजक नावेद सिद्दीकी ने बताया कि शुक्रवार को इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। 10 क्रिकेट की टीमें प्रतिभाग करेंगी, साथ ही प्रतिदिन 2 मैच होंगे। विजेता टीम को 1,00,000 रुपए और उपविजेता टीम को 75,000 की धनराशि दी जाएगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मकसद यही है कि खिलाड़ियों को क्रिकेट के खेल में आगे बढ़ाया जाए और मुरादाबाद शहर क्रिकेट के खेल में अपनी पहचान बना सके। ये कलेक्टेड प्रीमियर लीग है और इसका सीजन 3 है और हमारा टीम्स के ऑनर्स के साथ टीम ऑक्शन चल रहा है प्लेयर्स का, और 10 तारीख से ये टूर्नामेंट रेलवे स्टेडियम मुरादाबाद में आयोजित किया जाएगा। अब तक चलेगा और कितनी टीमें भाग लेंगी? 10 टीमें इसमें प्रतिभाग करेंगी और लगभग 12 दिन ये टूर्नामेंट चलेगा। कहाँ कहाँ के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे? पूरे मुरादाबाद मंडल के भी आ रहे हैं और इस बार हमारे पूरे इंडिया से प्लेयर्स जो टीम ऑनर्स चाहेंगे वो 2 प्लेयर्स बाहर से बुला के खिला सकते हैं। कितने ओवर का मैच होगा? 20-20 ओवर्स का ये मैच है। कितने ओवर होंगे? एक मैच होंगे कितने दिन में? एक दिन में 2 मैच होंगे। मुख्यतः उद्देश्य क्या है पुरस्कार के? बस मुख्य उद्देश्य यही है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मैच मिले और हमारे जो बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, तो उनसे दूर रहें। विजेता टीम को और उपविजेता टीम को क्या पुरस्कार देंगे आप? लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 1,00,000 रुपये टीम ऑनर्स की तरफ से विजेता टीम को दिए गए थे और रनर अप टीम को 75,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इस बार भी यही व्यवस्था रहेगी? हाँ जी बिल्कुल, यही व्यवस्था रहेगी काशिप भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हम इसको ADS स्पोर्ट्स लाइव पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी लाइव चलेगा और थर्ड एम्पायर का भी हमारा इस बार रूल रहेगा।